शनिवार के दिन दीपक लगाने की सही विधि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात नहीं है, जिस कारण से पूर्ण रूप से कष्टों का निवारण नहीं होता और कहीं ना कहीं दीपक लगाते लगाते पूरी उम्र निकल जाती है और जीवन में परेशानियां बनी रहती है। इस वीडियो में आप शनिवार के दिन लगाए जाने वाले दीपक के दो उपाय जानेंगे। एक भी कर लेते हैं ना तो आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आना है। पहला जो दीपक है वह है तुम्रुका जी के नाम का दीपक का। आज शनिवार है, आज के दिन कर सकते हैं, काफ़ी लाभ मिलेगा। इसमें बहुत कम सामग्री की आवश्यकता है। एक आपको माटी का दीपक लेना है, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, अतिश्रेष्ठ आटे का दीपक बताया जाता है। आप सभी को तुम्रुका जी का नाम लेते हुए सर्वश्रेष्ठ इन्हें माना जाता है कष्टों के निवारण के लिए, और गुरु जी द्वारा बताए गए कई उपाय हैं जो तुम्रुका जी के नाम से प्रचलित है। आप सभी को एक दीपक लगा लेना है, गोल बत्ती इसमें लगेगी और काले तिल, तुम्रुका जी का नाम लेते हुए काले तिल इस दीपक के अंदर आपको डालने हैं और लगानी है गोल बत्ती का दीपक। हमेशा देव पुरुषों के नाम की गोल बत्ती लगती है, आप जानते होंगे। आपको महादेव के मंदिर में जाकर तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, हे तुम्रुका जी महाराज, आज मैं यह जो है संकल्प ले रही हूँ, यह दीपदान कर रही हूँ, यह पूजा कर रही हूँ, यह उपाय कर रही हूँ, आज शनिवार है, मुझे उम्मीद है आप तुम्रुका जी महाराज मेरे कष्टों का निवारण करेंगे और मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करेंगे। ऐसा कहते हुए आप सभी जो है शिव मंदिर में दीपक लगा दीजिए आज के दिन। यह पहला उपाय है, आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही दूसरा उपाय साझा करना चाहूँगी, आज शनिवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को या तो शिव मंदिर में या पीपल वृक्ष में दीपक लगाना चाहिए। शनि मंदिर में भी अति श्रेष्ठ होता है, शनि मंदिर हर जगह नहीं होता, शिव मंदिर और पीपल वृक्ष हर जगह होता ही है। पीपल वृक्ष भी ना हो तो शनि जो है शिव मंदिर में भी आप दीपक लगा सकते हैं। यह दीपक सरसों के तेल का लगेगा और हमेशा छाया पुत्र शनिदेव की पूजा थोड़ा अंधेरे में की जाती है, हल्का सा अंधेरा हो तभी जो है दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, भले ही सुबह कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा देवता के जो शनिदेव के नाम की गोल बत्ती लगती है और उसमें थोड़ा तिल डालिएगा। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप सभी इस दीपक का या तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा भी कर सकते हैं, शनिदेव की पश्चिम दिशा मानी जाती है, आप उस दिशा की ओर इस दीपक का मुख करते हैं तो अति श्रेष्ठ आपको फलों की इससे प्राप्ति होती है। तो यह दीपक जो है आप सभी को शाम के समय में जरूर से लगाना है। और साथ ही इन दिनों पवित्र बैसाख का महीना चल रहा है, गुरु जी द्वारा बताए गए बैसाख के कई उपाय प्रचलित है, बैसाख महत्व सुना जाता है, बैसाख महीने के कई नियम लिए जाते हैं, बैसाख महीना श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। तो आप सभी जितना संभव हो इस महीने पीपल पूजा करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, गीता का उपदेश देते हुए। तो पीपल वृक्ष पितरों की कृपा, शनिदेव की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा के लिए सर्वमान्य माना गया है। तो जितना संभव हो आज के दिन या इस पूरे बैसाख के महीने में शनिदेव की पूजा करना आपके जीवन में धन धान्य में वृद्धि करेगा, सुख संपदा देगा। तो सरलतम कार्य है, करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलना ही है। और रोज निरंतर जो है माँ तुलसी की पूजा इस माह जरूर से करनी चाहिए। आप अन्य दिनों करते हैं अति श्रेष्ठ है, परंतु बैसाख के महीने में करना सबसे श्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो जितना संभव हो इस महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करने का प्रयास कीजिए, काफ़ी श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होगी। आज जितना संभव हो तेल का दान करें, सरसों का तेल, परंतु खरीदे ना, काले तिल वगैरह दान करें, बैगन इत्यादि खाए ना, अर्थात काली वस्तु भोजन के रूप में कम ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इन चीज़ों का दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन तेल ना खरीदे ऐसा कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। तो कभी भी इस दिन तेल ना खरीदे, घर में भले ही कम ही मात्रा में तेल हो उसे ही दान करें, उसका ही उपयोग करें। कई महिला माताएं बहनें क्या करती हैं, इस दिन तेल खरीद लेती हैं, उसका ही दान करती हैं, ऐसा श्रेष्ठ नहीं है। यह जो है पूजा पाठ का फल, भले ही आप मूल्य चुका रहे हैं परंतु यह सही नहीं माना जाता। तो इस तरह के इससे शाम के समय में आपको यह दीप प्रज्वलित करना है। हर हर महादेव।